हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा। ओ हो माइंड ब्लोइंग, मतलब मजा आ गया भाई साहब। जो बाप लेवल का टीजर बना है ना गोरखा वॉरियर्स का, मजा आ गया भाई साहब। एकदम से हॉलीवुड के लेवल मैच कर रहा है। अगर आप इस फिल्म का बजट देखोगे ना तो आप कहोगे कि हॉलीवुड का बाप है यह टीजर, मतलब एकदम से ऑसम है। हालांकि जब मैंने सुना था कि ये फिल्म आने वाला है गोरखा वॉरियर कहके, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, किस तरीके के होगा, VFX अच्छा कर पाएंगे या नहीं, लोकेशंस किस तरह के होगा। जब मैंने सुना था कि गोरखा वॉरियर्स फिल्म आ रहा है नेपाली में, तो मुझे बहुत सारा डाउट हो रहा था कि वो लोग जस्टिस कर पाएंगे नहीं, क्योंकि गोरखा जो रेजिमेंट है ना बहुत बड़ा इतिहास अपने आप लेके चलता है और एक बहुत ही नेपाल की शान है वो, तो उस पर फिल्म बनाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर आप गोरखा रेजिमेंट के शान में फिल्म बना रहे हो और उससे थोड़ा भी कम अगर आप प्रेजेंट करते हो तो पब्लिक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगी या पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो लेवल का इतिहास रहा है गोरखा रेजिमेंट का वो बहुत ही बाप लेवल का है, ज़बरदस्त है। आप अगर इतिहास उठा कर देखो तो गोरखा रेजिमेंट ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो सोचते हुए भी आप कांपोगे डरोगे। ऐसे ही फेमस नहीं डायलॉग है कि अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से नहीं डर लगता है तो वो की तो झूठ बोल रहा है, वरना वो गोरखा रेजिमेंट का गोरखा आर्मी होगा। देखिए गोरखा रेजिमेंट के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री अपना राय क्या रखते हैं। भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। वेल दोस्तों, ऐसा इतिहास है और ऐसा त्याग है गोरखा रेजिमेंट का भारत के लिए। सिर्फ भारत के ही लिए नहीं, बहुत ऐसे देशों में गोरखा रेजिमेंट अपना काम करती है, और जब वो लोग अपना वार क्राई जब पुकारते हैं तो बड़े बड़े दुश्मन भी अपने पैंट में मूत देते हैं उनके वार क्राई से ही। उनका वार क्राई है जय माँ काली आयो गोरखाली, ये सुनते ही बड़े बड़े को पसीना आ जाता है और पैंट में ही दुश्मन मूत देते हैं। ऐसा रुतबा है, ऐसा जलवा है गोरखा रेजिमेंट का। जब मैंने सुना था कि ये फिल्म आ रही है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था इस फिल्म से, और वो बहुत ही बढ़िया से फुलफिल करते हैं। इस फिल्म का डायरेक्टर जो कि मिलन चैम्स है, भाई साहब एक मिनट से भी कम का यह टीज़र है लेकिन आपको फुल सेटिस्फेक्शन देगी। हॉलीवुड लेवल का VFX, लोकेशन और जो वॉइस ओवर है अंग्रेजी में, भाई साहब एकदम से कातिलाना है। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, सैल्यूट है बैकग्राउंड म्यूजिक देने वालों का भी। और जो सिनेमेटोग्राफी किया है, जो कलर ग्रेडिंग किया है, एकदम से जो वार वाला होता है वैसा टाइप का दिख रहा है हॉलीवुड के फिल्म जैसा। इसलिए मैं बोल रहा था कि हॉलीवुड का बाप लेवल का यह फिल्म है, अगर इसका बजट को देखकर आप इस फिल्म को कंपेयर करते हो तो। बाकी दोस्तों, आपने अभी तक यह टीज़र देखा है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देखे हैं तो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेपाल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद।